कुछ और बात है, लेकिन आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्कार, प्रणाम, रुबिन भट्ट है मेरा नाम और मैं लेकर आया हूँ एक पोएट्री मेरी कॉलेज लाइफ के नाम। अगर कॉलेज लाइफ पर से तो सीधी साधी तो ही नहीं, एमां मस्ती छे, मजाक छे, मनोरंजन छे, अने छे तो घणी बधी यादो। तो हूँ शुरू करवा मांगीश आप सबने ताड़ियों वच्चे। आज भी याद है वह दिन जब पहली बार यहाँ आया था, नम हुई आंखों से अपने माता पिता को अलविदा भी बोल ना पाया था। फिर हुई मेरी मेरे नए दोस्तों से मुलाकात और देखते ही देखते बन गई कुछ बात। सुबह देर से उठकर क्लासरूम में देर से पहुंचना और अपनी अटेंडेंस खोना, उसके बाद सीआर को मस्ता लगाकर अपने प्रेजेंट करवाना, यूनिट के नाम पर मास्क बंक करना और कैंटीन और गार्डन में बैठकर वही हसीन किस्सों के ऊपर हंसना। एनाटॉमी में कैडेवर के साथ मेरी ऐसी दोस्ती हुई कि उसी से मैंने जीने की वजह सीखी। फिजियोलॉजी में सच में पसीने के साथ साथ खून भी बहा और उस खून को मैंने माइक्रोस्कोप में देखा। बायोकेम को हमने पूरा साल अवॉइड किया, लेकिन इसका असली इम्पोर्टेंस एग्जाम के दिन ही पाया। जैसे तैसे करके पहला साल हुआ समाप्त। सोचा चलो अब तो जूनियर्स आएंगे मेरे यार। सेकेंड ईयर में देखा तो माहौल ही कुछ और था, देखा तो यह ऑर्गेनाइजिंग का दौर था। आज भी याद है जब गार्डन में बैठकर मटके को पेंट किया था, बाइक की पीछे की सीट पर बैठकर मैं ट्रक का टायर लेकर आया था। सुबह 4 बजे तक चलते थे सर के साथ मीटिंग के वो पल, फिर भी सोने से पहले पता नहीं था कि फंक्शन होगा कि नहीं। अब रिजोल्यूशन दिया है पूरा कर सीआर, 150 साइकिल लाओगे तब जाके मिलेगी बात। एनुअल फंक्शन, रिसर्च पार्टी, नवरात्रि, गणपति, इन सभी में 6 महीने किए बर्बाद। सीनियर आकर बोला अब तो बदले मेरे बाप। पैथोलॉजी में हर्ष मोहनी एक सहारा था, हिस्टोपैथो की स्लाइड को माइक्रोस्कोप में नहीं बाहर से ही जांचना था। फार्मेक के मुश्किल पेपर ने हम सबको बहुत रुलाया, साइड इफेक्ट के क्वेश्चन में मैं सिर्फ नोजिया और वोमिटिंग के लिए। माइक्रो के सिलेबस को रखने में मैं इतने ज्यादा खोया, आईडी के जरूरत मिल जाए एक मुझे भी देना। पीएम रूम के बाहर हमारी वेस्ट की भीड़ लग जाती थी, एफएम के अटेंडेंस के लिए हमारी दौड़ लग जाती थी। ऑप्टल में आंखें पड़ते हुए हुई किसी की आंखें चार, ईएनटी भी आसान नहीं, ऑटो राइनो लैरिंजोलॉजी है मेरे यार। कम्युनिटी मेडिसिन के हेल्थ प्रोग्राम ने हमें बहुत सताया, बाहर स्टेट्स में मुझे सिर्फ मोड और मीडियन ही पाया। क्लिनिकल पोस्टिंग में तो बात ही कुछ और थी, टाउन मीटिंग के लिए भी 75% अटेंडेंस की नीड थी। हिस्ट्री प्रेजेंट करने के टाइम दोस्तों ने मुझे ही किया आगे, 12 बजे लेक्चर है सर कहकर हम वहां से भागे। सोचा था कि पेशेंट की हिस्ट्री लेकर सर के सामने प्रेजेंट करूंगा, एग्जामिनेशन तक पहुंच गया तो कम से कम पास तो हो जाऊंगा। फाइनल ईयर में पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, पूरे साल की कॉलेज लाइफ एक वायरस खा जाएगा। घर पर बैठकर करते रहे हम ये इंतजार, हर महीने सोचते थे कॉलेज खुलेंगे इस बार। अब आखिरी समय था क्योंकि आ चुका था आखिरी पड़ाव, 12 महीने की इंटर्नशिप कोविड ड्यूटी के प्रमाण महुआ और सावरकुंडला। और सावरकुंडला बहुत दूर है मेरे यार, दिल्ली की पूरी इंटर्नशिप करनी यही है इस बार। कोविड ड्यूटी लगी है, स्टाइपेंड बढ़ा दो सरकार, एक और एक्स्ट्रा ड्यूटी मैं नहीं कर रहा इस बार। मैं थोड़ा सीरियस नोट पर थोड़ी लाइन कहीं, खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से निकला हूँ जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। रोल मॉडल के रूप में मैंने अपने प्रोफेसर का साथ पाया है। यहाँ आकर जीने का अलग ही मकसद मिल गया, मंजिल तक का सफर भी बहुत हसीन बन गया।
लेकिन लगता है कि वक्त की सुई ने आज सब बदल दिया। आज लगता है कि वक्त मुझसे जीत गया। आप सभी को आपकी कामयाबी की बधाई और विदा लेना चाहूंगा। घर के बड़ों को प्रणाम, लेकिन याद रखना मुझे मेरे यारों, रुबिन भट्ट नहीं, यहाँ भटिया है मेरा नाम।